बाबजी बाबजी के डिस्ट्रीब्यूटर हमारे प्रवीण जी ने इस बार बहुत मेहनत किया है, और प्रवीण भैया को दिल से शुक्रिया अदा कि वो हमेशा मेहनत करते हैं। उनका मैं 2 दिन सिनेमा भी साइन किया हूँ उनके साथ, उनके बैनर पे सिनेमा भी। हाँ, बाबजी एक बहुत खूबसूरत एक बाप बेटी की कहानी है, और पिता और पुत्र के बीच में क्या संबंध होता है जो बाबू बाबजी जो देखेगा उसको समझ में आएगा। हमें लगता है कि हमारे पिता हमारे लिए कभी सोचते नहीं, हमारे लिए गलत करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद समझ में आता है कि इस दुनिया का कोई भी पिता अपने बेटे के अलावा किसी के बारे में सोचता ही नहीं। जो आदमी अपने पिता का कदर नहीं करता होगा बाबजी देखने के बाद जरूर करेगा, क्योंकि बाबजी ऐसी फिल्म बहुत कम बनती है, और बाबजी एक बहुत खूबसूरत सिनेमा बनी है, और उसमें रितु सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे देव पांडे जी बहुत अच्छा डायरेक्ट किए हैं, गोविंदा जी उसमें प्रोड्यूसर हैं, और सारे लोग जिन लोगों ने उसमें काम किया है, हमारे प्रिंस भाई उसमें कैमरामैन थे, तो जितने लोगों ने काम किया सबका काम बहुत बेहतर है, और मुझे लगता है संभावना दीदी ने इतना अच्छा बेस्ट काम किया है, आइटम सुन लिया उसने तो लगातार, उसमें के गाने भी बहुत अच्छे हैं, सबका काम बहुत अच्छा है, जो जो आर्टिस्ट उसमें काम किया है सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और बाबजी देखने के बाद सच में मैं बोल रहा हूँ, ये दिल से बोल रहा हूँ कि जिसको अपने पिता का कदर नहीं होगा वो अपने पिता का कदर जरूर करेगा, और हर पिता को भी देखना चाहिए बाबजी कि अपने बेटे को सुधारने के लिए आप किसी हद तक जा सकते हो, और एक बेटा उस बात को नहीं समझ पाता है और गलत कदम उठा लेता है, और बाप के जाने के बाद बेटा को समझ में आता है कि नहीं मैं गलत था, और बाप जब बेटा भाग जाता है तो बाप को लगता है कि मैं गलत था, लेकिन गलत कौन होता है उस सिनेमा देखिएगा तो पता चलेगा। लगातार है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉकडाउन में जो सिनेमा बन के रेडी थी उसी का थोड़ा भीड़ भाड़ है, और भाई देख लिया लो यार, दोनों में जाइए लो, दोनों हमारे सिनेमा आओ, आ तू लो प्यार दे लो तभी खेसरिया तरह लो, एक अभी खेसरिया के एक को नाम ना, अभी कम से कम 50 को नाम रखेगा बता लो गए, ऐसे जो मोहब्बत है आप सबकी, आप ऐसे ही प्यार देते रहिए। और बाबजी बाबजी के डिस्ट्रीब्यूटर हमारे प्रवीण जी ने इस बार बहुत मेहनत किया है, और प्रवीण भैया को दिल से शुक्रिया अदा कि वो हमेशा मेहनत करते हैं, उनका मैं 2 दिन सिनेमा भी साइन किया हूँ उनके साथ, उनके बैनर पे सिनेमा भी कर रहा हूँ, और प्रवीण भैया लगातार मेरी सिनेमा रिलीज कर रहे हैं, और निशांत उज्जवल जी वो भी मेरे सारे सिनेमा रिलीज करते हैं बड़े भव्य तरीके से, तो सारे लोग मेरे को प्यार करते हैं, प्रवीण भैया हों निशांत जी हों या सारे लोग भोजपुरी में जितने लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, बाकी कुछ विरोध भी करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भी विरोध भी करते हैं तो मोहब्बत से ही करते हैं, मेरे अच्छा लगता है। तो प्रवीण भैया के पास लगातार मेरी मूवी है, वापसी है आपके, लिट्टी चोखा है, राजा की आएगी बरात, आशिकी, मुझे लगता है कि प्रवीण भैया के पास मेरी लगातार 5-6 फिल्में हैं जो रिलीज पे हैं, निशांत जी के भी पास मेरी 1-2 फिल्में हैं जो रिलीज पे हैं, और आने वाली सिनेमा भी दोनों मिल के करते हैं, अच्छा लगता है, और बिहार के लिए मुझे लगता है कि ये दोनों बड़े मेहनती लोग हैं, तो ईश्वर इनको हमेशा आगे बढ़ाए, मेरी शुभकामना है दोनों भाई, थैंक यू सो मच।